आज 31वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन ओपन थिएटर घंटाघर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान जिला मुख्यालय डीएसपी रामगोपाल करियारे, नगर निगम आयुक्त राहुल देव, जिला चिकित्सा अधिकारी बीबी बोर्डे, सूबेदार भुवनेश्वर कश्यप, यातायात प्रभारी श्याम सिदार, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं एवं कोरबा की जनता भारी संख्या में मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा ट्रैफिक एवं यातायात से होने वाली दुर्घटना का रंगोली बनाकर लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया गया। इसके पश्चात स्कूल के बच्चों के द्वारा साइकिल रैली निकाली गई, जिसका डीएसपी रामगोपाल करियारे, बीबी बोर्डे, यातायात प्रभारी श्याम सिदार, नगर निगम आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली घंटाघर चौक से प्रारंभ होकर घोड़ा चौक से आईटीआई चौक होते हुए निहारका मार्ग से घंटाघर पहुंची। सभी बच्चों ने स्लोगन एवं साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को यातायात का संदेश दिया। पैदल एवं बाइक रैली भी निकाली गई, जिसमें होने वाली सड़क हादसों से बचने का संदेश दिया। नगर निगम आयुक्त राहुल देव ने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए बताया कि इस प्रकार का जन जागरण का कार्यक्रम अक्सर होते रहना चाहिए, जिससे सड़क हादसों पर नियंत्रण किया जा सके। वहीं जिला चिकित्सा अधिकारी बीबी बोर्डे ने बताया कि जिला चिकित्सालय में ऐसा वार्ड भी जल्द ही होगा, जहां सड़क हादसों से आए हुए मरीज की तत्काल इलाज किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रस्तुति दी गई, झांकियां स्लोगन चित्रकला के माध्यम से लोगों को जन जागरण किया गया। कार्यक्रम के समापन पे डीएसपी रामगोपाल करियारे एवं पूरे यातायात विभाग के द्वारा 300 हेलमेट मुफ्त में बांटा गया, जिससे सड़क हादसों में होने वाली दुर्घटना में लोगों को जान से हाथ न धोना पड़े। अधिकांश लोगों ये सोचते हैं कि ये रोड एक्सीडेंट का कारण ये एक वर्दी पहना हुआ पुलिस का अधिकारी, ये सफेद वर्दी पहना हुआ यातायात का कर्मचारी या आरक्षक जिम्मेदार है। तो शायद आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि रोड एक्सीडेंट या यातायात को संचालित करने वाले सिर्फ पुलिस के अधिकारी कर्मचारी या जवान नहीं है, उसके लिए सिर्फ पुलिस के अधिकारी कर्मचारी या जवान जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को रोड को अच्छा बनाना चाहिए, इसके लिए यातायात विभाग आरटीओ डिपार्टमेंट अलग से है जो रोड में वाहनों की संचालन को व्यवस्थित करता है, उसके भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ हम लोग इसको क्या नहीं कर सकते, समन्वय नहीं कर सकते, इसके लिए आम जन जागरूकता की जरूरत है और उसके लिए यह कार्यक्रम किया जाना अत्यंत आवश्यक है। आपको ये बता दें कि अधिकांश रोड एक्सीडेंट ऐसे जगह पे होते हैं जहां सुनसान भी होता है, जहां पुलिस अधिकारी नहीं जा सकता, गली में कुचे में भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, जहां जाने चली जाती हैं। इसलिए आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी है और वास्तविक जिम्मेदारी भी है कि हम सब मिलकर के ऐसे असमय जो मृत्यु हो रही है उसके बारे में। आज जो है 31वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन जो है ओपन थिएटर घंटाघर मैदान पर रखी गई है। इसमें जो है हम लोगों ने विभिन्न जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जिसमें पीडब्ल्यूडी है, आरटीओ डिपार्टमेंट है, पुलिस है और अन्य जिसने भी संबंधित विभाग है, सबको शामिल करते हुए यह बृहद आयोजन किया हुआ है। इसका मूल उद्देश्य जो है यह है कि पूरे ज़िले में इसका व्यापक संदेश जाए, क्योंकि रोड एक्सीडेंट राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और ज़िले के स्तर पर भी काफ़ी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जो कि बेतहाशा वाहनों की वृद्धि, इंडस्ट्राइजेशन की वजह से विभिन्न वाहनों की संख्या बढ़े हैं और इस वजह से जो है हमारी ये जिम्मेदारी बनती है आम जनता को जागरूक किया जाना और साथ ही आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि स्वयं के प्रति जागरूक हों। और इस उद्देश्य को लेकर आज हम लोगों ने स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे और विभिन्न संगठनों के द्वारा यहाँ पर रंगोली प्रतियोगिता, जिसके माध्यम से संदेश दिया जा रहा है कि एक्सीडेंट के क्या प्रभाव होते हैं, स्लोगन प्रतियोगिता, मॉडल प्रतियोगिता और जो है ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें नन्हे बच्चों को भी शामिल किया गया है और उनके जो मानसिक स्थिति है वो ये व्यक्त करता है कि वो किस तरीके से जागरूक हो रहे हैं और इन सभी प्रतियोगिताओं के माध्यम से आम जन को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही मंचीय कार्यक्रम भी, विषय आधारित मंचीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, उसमें भी नाटक और अन्य विधाओं के माध्यम से हमारे बच्चे जो है आम जनता को जागरूक कर रहे हैं कि एक्सीडेंट के प्रति जागरूक रहें और जो भी मानव क्षति हो रही है उसका क्षति ना हो, इसके लिए समस्त। हाँ, इसके लिए जो है चार प्रकार की रैली निकाली गई है। विशेष रूप से इस बार माताओं बहनों को जागरूक करने के लिए स्कूटी रैली निकालने का प्रयास किया गया है और साथ ही यहाँ पर बाइक रैली, जो हेलमेट, सभी हेलमेट धारण करके, साथ ही साइकिल रैली और पैदल रैली, चार प्रकार की रैलियाँ भी इसमें शामिल की गई थी। और हम लोगों के द्वारा, यातायात पुलिस कोरबा के द्वारा जो है 300 की संख्या में निःशुल्क हेलमेट का भी वितरण जन सहयोग के माध्यम से आम जनता को किया जा रहा है, ताकि लोग जो है हेलमेट के प्रति भी जागरूक हों, अपनी जान की सुरक्षा के प्रति जागरूक हों।